अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तीन चाइनीज़ रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्पाइसी मैक्रोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। 30 सेकेंड के लिए ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें मैं चंद कड़ी पत्ते डालूँगी। दो अदर लहसुन की जवें इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, बस इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। करी पत्ते और लहसुन। 1 कप मैक्रोनी को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। 1 टीस्पून नमक डाल के और इसका पानी निकाल के तो ठंडा करके फिर मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 2 अदर टमाटर ले लिए थे दरमियानी साइज के, उसकी मैंने प्योरी बनानी थी, इसको उबाल के उसकी प्योरी बना ली, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। बिल्कुल 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। इसके बाद आप चिकन की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून जितना ऑयल इसमें डालूँगी। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले ली 500 ग्राम और इसमें मैंने कट लगा दिए। इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट। जैसा कि आप देख रहे हैं एक साइड से इसका कलर चेंज हो गया, तब इसको हम पलट देंगे और इसको 2 मिनट कुक होने देंगे। सबसे पहले सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जैसे काली किसी में। अब इसका पलट देंगे और पकने देंगे। 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना पानी, 1 टीस्पून लाल पीसी मिर्च, थोड़ा सा फूड कलर, 1 टीस्पून। थोड़ा सा और पानी डाला, बिल्कुल बस इसको 2 मिनट और पकने देंगे। ये चिकन हमारी रेडी है। अब इसी पैन के अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। एक बड़े साइज की प्याज, बस इसका कच्चा पन दूर करना है, इतना ज़्यादा को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, तो शिमला मिर्च ये भी मोटा मोटा काट लिया था मैंने। दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। अब ये जो मैक्रोनी मैंने बनाई थी ये सारा ये इसमें डाल दूँगी। आधा कप हरी प्याज है, 2 से 3 अदद हरी प्याज ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के केचप डाल देंगे इसमें। तो ये मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी तैयार है, वेजिटेबल मैक्रोनी। अब ये सारी जितनी मैक्रोनी बनाई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। सो फ्रेंड, हमारी स्पाइसी मैक्रोनी तैयार है। तो चलिए हम अपनी दूसरी रेसिपी शुरू कर लेते हैं, टमाटो स्पेगेटी, जो खाने में बहुत ही मज़े की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी पैन में 2 टेबल स्पून जितना।
ये 1 टेबल स्पून और अब ये हो गई 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल किया है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, और एक बड़े साइज़ का गार्लिक है लहसुन, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको हल्का सा गोल्डन होने देंगे, बस सिर्फ 1 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आ गया इसमें। अब इसमें बारीक कटी हुई गाजरें 2 दर्जन साइज की 2 गाजर वो इस पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी 2 मिनट फ्राई करूँगी। ये प्याज भी एक दरमियानी साइज़ की है, इसको ही मैंने मोटा मोटा चॉप कर दिया था, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये स्पेगेटी को मैंने पहले से बॉईल कर दिया था, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चूल्हे की आंच को लो रखेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये टमाटर की प्यूरी में डालेंगे, ये 1 kg टमाटर है, इसको मैंने उबाल के ब्लेंड कर लिया था, अब मैं इसमें में डाल रही हूँ। पहले थोड़ा डाल रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। टमाटर की प्यूरी मैंने 1/2 kg डाली है, ठीक है। अब इसके बाद 1 टेबल स्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स है, ये भी 1 टेबल स्पून भर के डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून जितना मैं गुड़ ऐड करूँगी, आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये 2 टेबल स्पून जितना सोया सॉस है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ये हरी मिर्ची है 2 से 3 अदरक बारीक कटी हुई, इन सबको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर में शामिल कर रही हूँ, और ये 1 टेबल स्पून जितनी चिली सॉस, बस अभी 2 मिनट है बस हमारा रेडी है। ये देखिए ये कलर डालने से कितना अच्छा कलर आया। है 1 टेबल स्पून भर के मैं टमाटर केचप डाल रही हूँ, इससे जायका भी अच्छा आता है। और आप जो बाहर से लोग खाते हैं ना, जैसे बच्चे फरमाइश करते चलो अम्मी होटल में जाएं बाहर खाते हैं, इससे अच्छा आप घर में ऐसा उनको बना के दें, बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। बल्कि मेरे घर में तो सभी शौक से खाते हैं, जब भी मैं बनाती हूँ ना, जब नहीं बनाती तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी आप ये स्पेगेटी बनाएं। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, इसलिए मैं थोड़ा और नमक शामिल कर रही हूँ इसमें। 1/2 टीस्पून और नमक डाल दिया, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून शामिल करा है मैंने इसमें। थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून जितना मक्खन, और इसमें ओरिगानो आप शामिल कर रही हूँ एंड में, ये भी 1 टेबल स्पून। बस हमारा मज़ेदार स्पेगेटी तैयार है। तो देखें टमाटर मैंने 1 kg का प्योरी बनाई थी, लेकिन इसमें 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा डला है, बस 2 मिनट और पकाएंगे बस फिर हमारा तैयार है। सबसे एंड में ये मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिए 1 शिमला मिर्च, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस तकरीबन हमारा ये रेडी है, बस तो अब मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। तो हमारी मज़ेदार स्पेगेटी तैयार है, टमाटो स्पेगेटी, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे चिकन सासलिक विद ग्रेवी, ये भी खाने में बहुत ही आला और मज़े की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल करूँगी, ये 6 से 7 अदरक लहसुन की जगह इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
ये लहसुन देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें टमाटर की प्यूरी में डाल देंगे इसका। अब इसमें 3 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करूँगी, 3 टेबल स्पून जितना सोया सॉस, 1 टेबल स्पून जितना सिरका, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून चीनी शुगर, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, नमक अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और कुटी मिर्चें हैं वो भी 1 टीस्पून। अब इन सबको मिक्स करेंगे। इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, अभी इसको पकने देना है जब तक एक बाल ना आ जाए। ये 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर मैंने डाला है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इतनी थिकनेस रखनी है इसकी, इतना गाढ़ा हो जाए। ये हमारा पक चुका है। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल करूँगी, ऑयल डालेंगे। इसमें 250 ग्राम में चिकन क्यूब्स में डाली थी और ये मैं डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून जितना लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 2 मिनट पकाना है इसको। अब ये सारी वेजिटेबल को मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, 2 टमाटर है दरमियाने साइज के, 1 मीडियम प्याज को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और ये बंद गोभी है इसको भी मैंने इस तरह काट लिया था क्यूब्स में, पत्तों को अलग अलग करके तो अच्छे से वॉश करके काट लिया था। दरमियाने साइज की 2 शिमला मिर्च इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और मेरे पास लाल शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने लाल हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, ये भी 2 से 3 अदद। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट इसको पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये सब्ज़ियाँ बिल्कुल गल जाएंगी, नरम हो जाएंगी। छः अदद मैंने लाल साबित मिर्च ले ली छोटी वाली, वो पीस में डालूँगी। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा रेडी है। तो चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब ये जो हमने सॉस बनाया था, अब सारी वेजिटेबल और चिकन को मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें डालवा लिया है। बस इसको 1 मिनट के लिए हल्की आँच पे, बिल्कुल हल्की आँच पे पकाना है, और ये हमारा तैयार है। तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चावल मैंने पहले से बना लिए थे, तो अब इसके साइड में हम रख देंगे चिकन सासलिंग जो मैंने बनाया था। अगर यही आप बाहर से रेस्टोरेंट से ख़रीदें ना, तो 500-600 की तो तकरीबन प्लेट मिलती है। इससे अच्छा आप घर में बनाएं और ट्राई कीजिए। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।